हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये जेंट स्वेटर का डिज़ाइन। ये देखिए, इसमें यहाँ ये हनीकॉम केबल है और बीच में ये उल्टे सीधे फंदे हैं। इसे आप इसको कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, आप इसको जेंट स्वेटर में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये बनाया है, ये 8 फंदों का डिज़ाइन है। ये पूरा यहाँ से एक लाइन ये 8 फंदों की है और बीच में उल्टे फंदे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये 3 फंदे उल्टे लिए हैं बीच में गैप के लिए। आप 2 फंदे भी ले सकते हैं, 4 या 5 फंदे भी ले सकते हैं अगर आप इन्हें दूर दूर बनाना चाहते हैं। देखिए, उल्टी सिलाई में मैंने इसको सीधे फंदे पर सीधा फंदा लिया है और उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बुना है। ये देखिए, ये सारे सीधे फंदे आ रहे हैं इधर से और इधर से ये उल्टे फंदे हैं। आप चाहें तो पूरी सिलाई उल्टी भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये देखिए जैसे ये स्ट्रेचेबल आता है वो नहीं आएगा, उसमें पूरा इस तरह से खुला ही आएगा अगर आप उल्टी सिलाई पूरी सादी बनाते हैं। देखिए, इसको आप जेंट स्वेटर में इस तरह घना घना भी डाल सकते हैं या थोड़ी या कार्डिगन में डालिए। तो शुरू में आप इस तरह से घना डाल दीजिए थोड़ी दूर के लिए और उसके बाद आप एक केबल ये ख़त्म कर दें और एक एक ये इतनी इतनी दूरी पर ऊपर तक बुन सकते हैं। बाकी फंदे बीच के उल्टे बना दें। आप इस तरह से भी बना सकते हैं इसको। निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 8 फंदों की केबल है। यहाँ मैंने ये 14 फंदे बनाए हैं, 14 फंदे, 3 फंदे इधर उल्टे, 3 फंदे इधर उल्टे और बीच में 8 फंदे सीधे। तो हम सबसे पहली सिलाई बॉर्डर के बाद जब करेंगे तो 3 फंदे उल्टे, जो हमने उल्टे फंदे हैं वो हमने उल्टे ही बुनने हैं और उसके बाद जो केबल के फंदे हैं वो हम सीधे बुनेंगे। ये 8 फंदे हमने सीधे बुन दिए। उसके बाद ये 3 फंदे उल्टे बुन दिए। अब हम उल्टी सिलाई करेंगे। उल्टी सिलाई में हमें ये जो उधर से हमने 3 फंदे उल्टे बुने थे, इस तरफ से हम ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे। जो ये सीधे दिख रहे हैं वो सीधे बुन देंगे और जो उल्टे दिख रहे हैं उनको हम उल्टे बुनेंगे। ये 3 फंदे हमने सीधी तरफ से उल्टे बुने थे, इधर से हम इनको सीधे बुन देंगे। देखिए, अब ये जो उल्टे फंदे हैं ये उल्टे बुनेंगे और उसके बाद हम ये देखिए ये वाली केबल बनाएंगे इस तरह से। केबल हमें बनानी है, सबसे पहले हम ये 4 फंदे इस तरफ से पलटेंगे, 2 फंदे 2 फंदों के ऊपर से। ये देखिए, बीच के ये 2 फंदे शुरू के छोड़ के ये वाले 2 फंदे लेने हैं, इनको हम इस तरह से ले लेंगे। 4 फंदे सिलाई में से निकालेंगे और ये वाले 2 फंदे पहले सिलाई में ले लेंगे और ये आगे की तरफ लेके इस सिलाई में लेंगे और 4 फंदे हम ये सीधे बुनेंगे। अब हम ये वाले 4 फंदे, ये 2 फंदे इन 2 फंदों के ऊपर से लेंगे। तो हम ये पीछे की तरफ से लेंगे, ये वाले 2 फंदे हम सिलाई में लेंगे, 4 फंदे सिलाई से निकालेंगे। ये 2 फंदे ले लिए पहले, फिर ये जो सिलाई में फंदे हैं ये भी इधर ले लेंगे और 4 फंदे ये सीधे बुन देंगे। देखिए, ये हमारी केबल पलट गई। अब जो फंदे उल्टे हैं वो उल्टे बुन देंगे। और उल्टी सिलाई हमें हर बार उसी तरीके से करनी है। जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उनको हम सीधा बुन देंगे और जो फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे बुनेंगे।
देखिए ये उल्टी सिलाई कर दी। अब हमें इसकी चार सिलाई, फोर रोज इस तरह से करनी है। जो फंदे उल्टे हैं वो उल्टे बुनेंगे, जो फंदे सीधे हैं वो सीधे बुनेंगे। एक सीधी सिलाई, फिर उल्टी सिलाई, फिर सीधी, फिर उल्टी, ये चार सिलाई हमें बिल्कुल इसी तरह से बुननी है। जो उल्टे फंदे दिखें वो उल्टे बुनिए और जो सीधे दिखें उनको सीधे बुनिए। ये देखिए चार सिलाई हमने इसी तरह से सादी बना ली है। ये सीधे फंदे पर सीधे फंदे और उल्टे फंदे पर उल्टे फंदे। अब हम इस केबल को फिर से पलटेंगे। तो पहले हम उल्टे फंदे बना लेंगे, धागा पीछे लेके। अब हमने शुरू में सबसे पहले ये पहले चार फंदे हमने इस तरफ से पलटे थे और बाद के पीछे की तरफ से। अब यहाँ हम फर्स्ट वाले पीछे की तरफ से लेंगे। देखिए यहाँ से ये दोनों फंदे लेने हैं। चारों फंदे निकाल देंगे सिलाई से, ये वाले दो फंदे इधर लेके। ये चारों फंदे सीधे बुन देंगे। अब हम ये इस तरफ से लेंगे। और ये वाले फंदे इधर सिलाई में ले लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से हनीकॉम केबल बन जाती है ये। उसके बाद हम इसे जो उल्टे फंदे हैं वो उल्टे फंदे लेंगे और उल्टी सिलाई उसी तरह से करेंगे। जो सीधे फंदे हैं वो सीधे बुनेंगे और जो उल्टे फंदे हैं वो उल्टे बुनेंगे। ये मेरा ये वाला हाफ डिजाइन ये पूरा हो गया। ये देखिए अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है इसका। तो हम ये जो शुरू के तीन फंदे हैं इनको उल्टा ही बनाएंगे, ये आखिर तक उल्टे ही चलेंगे। जो हमने सीधी तरफ से ये उल्टे आएंगे और उल्टी तरफ से सीधे आएंगे, ये पूरी डिजाइन में इसी तरह से रहेंगे। और ये सिर्फ ये जो आठ फंदे हैं इनमें डिजाइन चेंज होता रहेगा। तो देखिए शुरू के दो फंदे हमें ये सीधे बनाने हैं, उसके बाद आठ फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे बुनेंगे। आठ फंदों का डिजाइन है ये, दो फंदे इधर सीधे, दो इधर सीधे और बीच के चार फंदे हमें ये उल्टे लेने हैं। दोनों साइडों में इसके दो दो फंदे सीधे आ जाएंगे। और उल्टी सिलाई में ये वाले फंदे हमें जो सीधे दिख रहे हैं वो सीधे ही बुनेंगे और जो हमने बीच में उल्टे लिए हैं वहां हमें ये उल्टा ही बुनना है इधर से भी। ये देखिए ये सीधे दिख रहे हैं इधर से, लेकिन हमें इन्हें सीधा नहीं बुनना है, इनको हम दोनों तरफ से उल्टा ही बुनेंगे। ये आठ फंदे उल्टे बुन दिए, अब ये तीन फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए ये हमारा एक बार हो गया। अब हम इसको तीन बार और रिपीट करेंगे। ये दो फंदे सीधे इधर उधर और बीच के चार फंदे उल्टे। देखिए ये हमने चार बार रिपीट किया इसको, एक दो तीन चार, चार बार बनाया है हमने इसे। अभी हमारा ये एक ही बार बना है, अभी हम इसको दूसरी बार अब बनाएंगे। दो फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, ये देखिए ये इस तरह से हम इसको एक बार ये पूरा हो गया। अब दूसरी बार हमने ये बनाया, उल्टी सिलाई सादी करेंगे और उसके बाद फिर
इसी तरह से दो बार और रिपीट करेंगे। ये देखिए कि हमने चार बार इसको रिपीट कर लिया। अब ये डिज़ाइन पूरा हो गया। यहाँ तक हमारा ये डिज़ाइन पूरा हो जाता है, उसके बाद हम ये फिर पहली सिलाई से शुरू करेंगे, जिस तरह से हमने ये बनाया था, उल्टे फंदे उल्टे और आठ फंदे सीधे बुनेंगे। ये हमने आठ के आठ फंदे सीधे बुनने हैं। यहाँ हमने जो पहली सिलाई से शुरू किया था, अब हम वही रिपीट कर रहे हैं इसको, और ये उल्टे फंदे हम उल्टे ही बना देंगे। उल्टी सिलाई हमें उसी तरह से करनी है, ये फंदे सीधे बुनने हैं, ये उल्टे बुनने हैं, और उसके बाद हम ये केबल बनाएंगे जो हमने यहाँ बनाई है। एक बार मैं शुरू करके दिखाती हूँ। पहले हम ये उल्टी सिलाई बना लेंगे, तीन फंदे सीधे, आठ फंदे उल्टे। देखिए यहाँ पर हम ये वाला पार्ट बनाएंगे केबल का, जो हमने यहाँ से शुरू किया था। इस तरह से सबसे पहले आगे की तरफ से लेंगे, ये चार फंदे इधर पलटेंगे, इधर लेंगे, ये चारों फंदे सीधे बुन देंगे। उसके बाद ये पीछे की तरफ से लेंगे दो फंदे, और ये चारों फंदे सीधे बुन देंगे। ये देखिए ये डिजाइन को हम बार बार इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। ये बन एक के बाद एक इसी तरह से ये डिजाइन बनाने हैं आपको। आप चाहें तो इसे जेंट स्वेटर में डालें, चाहे तो कार्डिगन में डालें। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।